आपने बोला कि मेरा मन सफरिंग का कारण नहीं है। ओके, ये मैंने माना और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर मैं नहीं हूँ? चलो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम एक कार में बैठे हो और तुम वहाँ 50 साल तक बैठे ही रहते हो, तो क्या 50 साल बाद तुम ये बोलोगे कि वो कार तुम हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कार से बाहर आ जाऊँ और चाहे कार डिस्ट्रॉय भी क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं एग्जिस्ट करूँगा। तो अगर तुम्हारे हाथ और पैर कट जाए, तुम्हारी किडनी निकाल दी जाए, तुम्हारा हार्ट निकाल कर एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया जाए, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाए, तो क्या तब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे? मैं फिर भी एग्जिस्ट करूँगा। कई लोग हैं जिनके सब चीज़ हो चुकी है पर वो फिर भी जिंदा हैं। तो अगर तुम ये शरीर होते तो तुम्हारे शरीर के डिस्ट्रॉय होने पर, तुम्हारे एग्जिस्ट होने पर भी उसका अफेक्ट होता, पर ऐसा नहीं हुआ तो तुम शरीर नहीं हो सकते। तो क्या मैं ब्रेन हूँ? तो क्या आदमी जिसे ब्रेन हैमरेज है या वो कोमा में है एग्जिस्ट नहीं करते? क्या वो जिंदा नहीं? नहीं, वो जिंदा है। तो अगर वो ब्रेन होते तो ब्रेन के डिस्ट्रॉय या फिर खराब होने पर उनके एग्जिस्टेंस पे भी तो अफेक्ट पड़ता, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम ब्रेन भी नहीं हो, क्योंकि अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता तो फिर भी तुम एग्जिस्ट करते। तो क्या मैं अपने थॉट्स और अपने आइडियाज हूँ? तो जब तुम बच्चे थे और तुम कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, क्या तब तुम्हारे पास इतने थॉट्स थे? नहीं। थॉट्स बेसिकली लैंग्वेज पर बेस्ड हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो थॉट्स क्या आते? तो क्या तुम्हारे बचपन में तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे? हाँ, करता था। और अब जब तुम्हारे माइंड में थॉट्स का भंडार है, तब मैं अब भी एग्जिस्ट करता हूँ। मतलब थॉट्स के होने से या ना होने से, तुम्हारे होने पर या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कि तुम थॉट्स भी नहीं हो। ये बच्चे वाला एग्जाम्पल मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। बच्चे कुछ तो सोचते होंगे, कुछ तो थॉट्स होंगे उनके माइंड में। ओके, तो जब तुम गहरी नींद में होते हो, क्या तब तुम्हें कोई
थॉट्स आते हैं? नहीं, केवल एक ब्लैंक, एक एम्प्टीनेस सा होता है। हाँ, पर तुम तो तब भी एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि उस ब्लैंक या उस एम्प्टीनेस को देखने के लिए कोई तो चाहिए, जो कि तुम हो, क्योंकि तुम उसे देख रहे हो। तभी तो तुम मुझे बता रहे हो कि वो एक ब्लैंक है या एक एम्प्टीनेस है। मैंने ऐसे तो कभी नहीं सोचा, पर अब मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद को ही नहीं जानता। आप ही मुझे बता सकते हैं। मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? कितनी अजीब बात है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। ये सवाल इंसान का सबसे बेसिक सवाल है, पर अजीब बात है कि लोगों को ये पता है कि उनके पड़ोस के घर में क्या चल रहा है। सचिन कौन है, सुपरमैन कौन है, बैटमैन कौन है, पर उनको ये नहीं पता कि रियलिटी में वो खुद कौन है। अच्छा, तो तुम मुझसे पूछ ही रहे हो, तो सुनो, कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, केवल तुम खुद ही ये रियलाइज कर सकते हो। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हें ये बताने की। तो तुम्हें पता चल चुका है अब तक कि ये दुनिया तुम नहीं हो, ये लोग तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये ब्रेन तुम नहीं हो, ये थॉट्स भी तुम नहीं हो। तो तुम हो कौन? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं अब तो सुनो, तुम वो हो जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसे ऐसे समझो कि तुम एक मूवी देख रहे हो, पर तुम सोच रहे हो कि तुम मूवी हो या मूवी का कोई कैरेक्टर हो, बट एक्चुअली तुम मूवी देखने वाले हो। या मैं ऐसा कहूँ कि तुम वो स्क्रीन हो जिस पर ये मूवी प्रोजेक्ट हो रही है। बस यहाँ फर्क ये ही है कि ये मूवी जो तुम अभी देख रहे हो, ये 1D, 2D या 3D नहीं, 14D है, जहाँ तुम चीज़ों को देख और सुन ही नहीं, उन्हें फील, स्मेल और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम वो विटनेस, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस हो। तुम सत चित आनंद हो। तुम्हें बाहर खुशी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही आनंद हो। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, मारना तो छोड़ो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम इटर्नल हो, तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। अगर मैं वो हूँ जो आप कह रहे हो, तो मैं वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर मैं खुद ही आनंद हूँ, तो मैं क्यों खुश नहीं हूँ? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने गलत चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर तुम्हारे सारे गलत आइडेंटिफिकेशंस गिरा दो, तो तुम
अपनी रियल स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अभी तुम्हारे मन में ये बात बहुत अंदर तक गड़ी हुई है कि तुम ये बॉडी और ये माइंड हो। जब तुम इनसे खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तुम खुद को जान पाओगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, समय बहुत हो गया है। पर नहीं, आज नहीं, फिर कभी।